हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर बेबी सुबह सुबह नहा ली हैं उठ के और खेल रही हैं अपने टॉयज से। ये देखिए, बेबी बहुत अच्छे से खिलौने जमाती है और मैंने बोला कि थोड़ा सा क्लिप इसमें डालती हूँ ताकि याद रहेगा। कभी भी देखते हैं तो लगता है कि हाँ, बेबी खेल रही हैं। और पॉलिथीन जो पड़ा हुआ है ना, सारा खिलौना उसी में भर के रखती हैं। और चाहे कितना भी खिलौना दिला दो, टॉयज दिला दो, लेकिन पॉलिथीन में ज़रूर भरना है उसको। तो ये देखिए कितने अच्छे से किचन अपना जमा रही है। तो हम आ जाते हैं अपनी किचन में। तो आज हम लोग क्या बनाएंगे? आज हम लोग बनाएंगे बेसन की जो पीस पीस वाली सब्जी होती है, हमारे इधर बेसन के गट्टे उनको बोला जाता है। और राजस्थानी रेसिपी है, वैसे राजस्थान में ज़्यादा खाई जाती है, मगर राजस्थान बॉर्डर पे पड़ने के कारण हम लोग भी इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को खाते हैं। और यहाँ पर मैंने देखिए बेसन लिया है, ये मेरे घर का बेसन है। और इसको मैं इस तरीके से छान लूँगी। तो छानने के बाद में फिर मैं, मतलब घर का है फिर भी मैं छान करके ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमेशा चीज़ों को जितना केयरफुली यूज़ किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। और बस आजकल कुछ खाने का मन नहीं होता है, आप लोगों को पता ही है कि क्या क्या चल रहा है। और बस अभी मामा जी के इधर जाना है, तो उधर जाने के लिए देखते हैं। मेरी तबीयत वैसे भी कल रात से मेरे को बुखार है। और ये देखिए छोटा सा कुछ निकला हुआ उसमें, बेसन में भी कभी कभी दाल में भी कुछ होता है, तो इसके झड़ाके में आती हूँ। तो मामा जी के इधर भी जाना है, उनका कार्यक्रम होगा। भैया लोग जो है इलाहाबाद गए हुए हैं, तो हमारे इधर इलाहाबाद जाते हैं उनके फूल ले करके, मतलब उनके जो बचे हुए पार्ट या मैं कहूँ अस्थियाँ या जो भी आप लोग कहते हैं, हमारे इधर फूल बोलते हैं। तो वो लेकर के भैया, बड़े वाले भैया, बड़ी वाली भाभी, उनकी छोटी वाली बेटी, बहुत सारे लोग गए हैं, दोनों भैया भाभी। और मैं इसमें जीरा डाल दूँगी और इसके बाद में फिर हम लोग चलेंगे, देखते हैं। रसोई वाले दिन तो नहीं चलेंगे, उसके बाद में जो कार्यक्रम, तो मैं बोल रही थी कि रसोई वाले दिन नहीं चलेंगे हम लोग, गंगाजली वाले दिन चलेंगे, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और परसों नरसों में कार्यक्रम है, तो आज मेरे को बुखार है, कल आज अगर बुखार मेरा उतर गया तो फिर भी कल मेरे को रेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए फिर मेरे को नहीं लगता कि जा पाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ले जाने वाला आप लोगों को पता है कोई नहीं है, मैं ही हूँ जो सब कुछ हूँ। तो बस देखते हैं क्या होता है। और अभी मम्मी की हालत आप लोग देखेंगे ना, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। मौसी, मेरी मौसी लोग, मम्मी लोग और मामी, बहुत ज़्यादा मतलब उनकी हालत ख़राब हो गई, मतलब 10-12 दिन हो गया है किसी ने भी खाना नहीं खाया है ढंग से। और भैया लोगों के पैरों में तो छाले हो गए हैं, क्योंकि हमारी तरफ से चप्पल नहीं पहनते हैं। और इतना ज़्यादा परेशान है पूरा परिवार, बहुत ही ज़्यादा। और देखिए मैं सब्ज़ी लेने भी नहीं जा पाई, क्योंकि सब्ज़ी गाड़ी चलाना पड़ता, तो गाड़ी चलाते मेरे से बन नहीं रहा था, इसलिए आज बेसन की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। क्योंकि आज टमाटर भी नहीं है, समझ लो, इसमें डालने के लिए। मतलब कभी कभी इतनी परेशानी ज़िंदगी में आती है ना कि कुछ पूछो मत, इतने ज़्यादा परेशान हम लोग हो जाते हैं। तो देखिए आटा मैंने लगा दिया है, इधर कढ़ाई में हम लोग पानी भर लेते हैं। और बुखार मेरे को इतनी तेज़ आया ना, इतना ज़्यादा, मतलब मेरे को बॉडी पेन हो रहा था कि मैं उठ नहीं पा रही थी, मतलब इतना नहीं हो रहा था कि मैं उठ करके एक दवाई ले लूं। तो बस कुछ इस तरीके से ही चल रहा है सारा कुछ। और आसपास में थोड़ी आवाज़ें हैं, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और मैं नाइट के समय करती हूँ वैसे वीडियो, मगर आज दिन में कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर लेट ही थी तो मैंने बोला कि अभी अच्छा लग रहा है, वीडियो एडिट कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पानी मैं पी लेती हूँ। बार बार ऐसा बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, ग्लूकोज लेने के बाद में ORS ले रही हूँ, सब कुछ ले रही हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। और आप लोग मेरी हालत देख ही पा रहे होंगे, मतलब इतना ज़्यादा ऐसा लगने लगा है अब कि मैं बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही हूँ धीरे धीरे करके। तो ये देखिए इस तरीके से चल ले लूँगी मैं, और फिर इसको बना बना करके हम लोग रख देंगे। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि किस तरीके से हमें बनाना है। तो सारा सामान इकट्ठा कर लेते, थोड़ा ही आटा मैंने लगाया है, क्योंकि थोड़ी सब्ज़ी हम लोगों को बनानी है। और बेसन के गट्टे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी और आराम से बन जाते हैं। तो मैंने बोला कि बस इनको बना करके मैं रख दूँगी, तो बॉयल हो जाएंगे और इसके बाद में फिर हम लोग रोटी सेक लेंगे। तो इनको मैं बना करके रख देती हूँ, नाश्ते का टाइम है, इसी टाइम में मैं बना करके रख रही हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि मैंने अभी दवाई खाई थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने बोला कि जितना काम हो सकता है निपटवा लेती हूँ। और वैसे बिट्टू और रिंकू है सारा काम करने के लिए, लेकिन फिर भी बच्चों से कितना ज़्यादा कराया जाए, बच्चों ने, उन लोगों वैसे ही मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं।
और उस दिन वो लोग भी मेरे साथ धूप में गए थे, तो धूप में जाने के कारण ही शायद मेरे को बुखार आ रहा है। और बुखार मैं ये बोलूँ कि इतना ज़्यादा हो रहा है कि डॉक्टर के पास कैसे जाऊँगी मैं, पता नहीं। और जब मतलब मेरे हस्बैंड नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मतलब ऐसे टाइमों में जब हमें कोई छोड़ करके चला जाता है या फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो फैमिली में ऐसा लगता है, हमारे परिवार में बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा। और वैसे मैं बच्चों से कुछ भी नहीं बोलती हूँ, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को परेशान करूँ या कुछ भी बोलूँ। तो कुछ इस तरीके से बना करके मैं इसमें रख दूँगी। ये देखिए रख दी है मैंने ये चल्ली को, और इसको हम लोग थाली से ढक देंगे। तो देखिए थाली से ढकने के बाद में फिर हम लोग ये पक जाएगी, मतलब 10-15 मिनट तो लगता ही है, 10-15 मिनट में फिर ये पक जाएगी, फिर इसकी सब्जी तड़का लगा देंगे। तो वैसे भी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, और मेरे हाथ में देखिए इस तरफ में चोट लग गई है, काम करते करते उंगली मेरी पूरी दब गई थी। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं चाहते हुए भी हो जाती हैं। और ये परात जो है ना रखी हुई है, तो इसमें मैं क्या करूँगी, थाली को उल्टा ऐसे ढक देती हूँ, उस तरफ से थोड़ी सी हवा निकल रही थी। तो जो सब्जी देखी मैंने तड़का लगा दिया, आटा लगा दिया था, और फिर नहा करके अब रोटी बना लेती हूँ यहाँ पर। तो मैं बना लूँगी, बच्चे गरम गरम खा लेंगे, और दवाई लेने भी जाना है शाम तक, देखते हैं क्या कैसे चलता है। अभी तक दोपहर तक मैं 2 गोली पैरासीटामोल ले चुकी हूँ, बस उसी से चल रही हूँ, देखते हैं कब तक चलती हूँ। तो ये रोटी का आटे का क्या ही बोल रही हूँ, जब तबीयत ठीक ना हो ना तो एडिटिंग करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन वीडियो बहुत दिन से नहीं गया है, करीब करीब 1 महीना होने वाला है, और 1 महीना ही एग्ज़ाम के टाइम में हो गया था। आप लोग मेरा साथ धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरा साथ नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आप लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं बहुत जल्दी अच्छे अच्छे वीडियो डालना स्टार्ट करूँगी। और अपनी तबीयत को, मतलब मैं जानती हूँ कि जाने वाला जो था वो चला गया, लेकिन फिर भी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मामा जी की याद आती है, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आपके मामा जी को दिखाइए। और हम देख लो पूरी पार्टी बैठी है हमारी, दोपहर है आज, आज एक्चुअली बेबी का बर्थडे है ना बेबी, ये देखो इधर, देखो इधर, इधर देखो, और नानी ने फ्रॉक दिला दी है बेबी को, ये देखो ना, और ये मासी लोगों ने गिफ्ट दे दिया, और भैया आज बहुत अच्छी चीज़ लेके आया बेबी के लिए ना, बाद में देगा इवनिंग में है ना। और ये टी शर्ट भी मंगवा ली आज, आ गई रिंकू के लिए मंगवाई थी एक्चुअली, तो ये टी शर्ट भी आ गई है, तो चलो खोल लो जल्दी जल्दी, अभी हम लोग भैया को दो, भैया को आपको नहीं आता, सीधे बैठो, अरे यहाँ ये देखिए अनबॉक्सिंग के लिए लड़ाई है हमारे घर में, इशू बेबी बच्चों को नहीं आता, चीटी है ले जा, अरे इधर से खोल ले, इधर से बाहर के खोल ले क्या, तो चलिए दिखाती हूँ, अभी तो झगड़ा हो रहा है हमारे घर, जितनी अच्छी दिखाई थी ना उतनी अच्छी आई, बीबी पीछे का था, अब इशू बॉयज़ के नहीं मिलते हैं, अच्छा आया, देखिए मीशो का सारा प्रोडक्ट अच्छा है, दिखा ना कपड़ा, ओए हो एक नंबर है यार कपड़ा, देखना देखो वैसा ही है, देखो हाँ ये खोलना, बहुत ही प्यारा कपड़ा है यार इसका तो, है ना, एकदम देखिए एकदम बहुत प्यारा है, मेरे को लग रहा था मार्केट से भी बहुत अच्छा कपड़ा है, और ज़्यादा महंगा नहीं है, 355 रुपये की है तीनों, मतलब 118 120 रुपये की एक पड़ गई, ओह ये वाली भी देखो कितनी प्यारी है, ये वाली देखो, ये देखिए, और ये भी बहुत प्यारी है डार्क में, ये वाली भी बहुत अच्छी लग रही है ना, ये देखो तीनों बहुत प्यारी लग रही, देखो बहुत अच्छा आया यार, बहुत अच्छा आया ना मीशो का, ये देखिए ये मीशो से मंगवाइए तीनों, ये देखो कैसी लग रही है। जोकर लड़ा दिया जोकर, हाँ ये ग्रीन वाली, नहीं नहीं नहीं।
थोड़ी इसी को और रखी रहने तो बेबी दी फिर कपड़ा बहुत अच्छा है। ईसु को बनता है अभी 38 लाते हैं अपन और ईसु को बनेगा 40।